इन दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा क्षेत्र को और प्रेस कीजिए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगला टॉपिक स्टेटमेंट एनालिसिस बयान विश्लेषण। इसमें एक स्टेटमेंट दे देंगे और उससे हमें कंक्लूजन पर निकलना पड़ेगा। इसमें दो टॉपिक आ सकते हैं, या तो अरेंजमेंट वाला है, बड़ा छोटा साइज वाले वैसे वाले और हल्का भारी वेट, यानी कंपैरिजन करेंगे। ये दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे इसमें। क्वेश्चन लेते हैं, Among five friends, पांच फ्रेंड है, A is heavier than B, A B से भारी है, C is lighter than D, D से हल्का है, B is lighter than D, B भी D से हल्का है, but heavier than E, who among them is the heaviest? इन क्वेश्चनों में देखो, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, अरेंज करेंगे एक दूसरे को। कितने जने हैं, पर्सन कितना है इसमें, पांच दोस्त हैं। अब पहली स्टेटमेंट है A is heavier than B, A जो है B से भारी है। देखो भारी बड़ा इन सब के लिए तीर का यूज करेंगे, बड़े वाले से हल्का और छोटे के लिए छोटे तीर का यूज करेंगे। थोड़ा डिफरेंट, A is heavier than B, A B से भारी है, तो B यहां और ए यहां, ठीक है, ए बड़ा है मतलब भारी है तो इसका तीर बड़ा, बी छोटा हल्का है तो इसका तीर छोटा, और थोड़ा डिफरेंस लेना इन दोनों के बीच में, कि क्या पता बीच में कुछ और भी घुस जाए जब सॉल्व करेंगे फटाफट। अब आगे क्या कह रहा है, सी इज लाइटर देन डी, सी जो है डी से हल्का, अभी साइड में ऐसे लिख देते हैं, सी जो है डी से हल्का है, B is lighter than D, but heavier than E. B जो है D से हल्का है, तो D यहां कहीं आएगा, और E से भारी है, तो E छोटा हो गया B से। कह रहा B जो है D से हल्का है और E से भारी है, तो B का पोजीशन ये है, E छोटा है तो इस साइड और D भारी है तो इस साइड, but heavier than, अब क्या कह रहा है, B is lighter than D, but heavier than E. Who among them is the heaviest? अब इसमें सब में C तो वैसे भी छोटा ही है D से, है ना, इस स्टेटमेंट को अलग से लिखा क्योंकि कंपैरिजन नहीं दे रखा है कि B से C बड़ा है छोटा है, तो अलग से, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि A सबसे बड़ा है या भारी है, पता चल रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, A। और बोलता सबसे हल्का कौन सा है, हल्का नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट सिर्फ इतनी थी, सी जो है डी से छोटा, डी से छोटा यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इस पे कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि हो सकता है ई और सी में से, ये हो सकता है स्टेटमेंट, क्योंकि ई तो छोटा है ही सब में, इन सब में, लेकिन सी से बड़ा या छोटा ये क्लियर नहीं होता, अगर ये क्लियर होता तो छोटा भी आ जाता, ठीक है। तीर का यूज करना है, बड़ा या भारी होगा तो बड़ा तीर, हल्का या छोटा होगा तो छोटा तीर, और थोड़ा डिफरेंस गैप मेंटेन करके चलना है, उससे फटाफट हो जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन करें, सुषमा इज रिचर देन रश्मि, वेयर इज आनंद इज रिचर देन प्रिया, कह रहे सुषमा जो है रश्मि से अमीर है, ज्यादा अमीर है, और आनंद जो है प्रिया से ज्यादा अमीर है, सुषमा किससे अमीर थी, रश्मि से, गैप मेंटेन। और एक और स्टेटमेंट है अलग से, आनंद इज रिचर देन प्रिया, आनंद जो है प्रिया से ज्यादा अमीर, तो अलग से लिखा है कि इन दोनों में अभी ये रिलेशन नहीं दे रखा है। आगे अरुण इज रिच एज रश्मि, अरुण को रश्मि, अभी अरुण दो नाम आ गए थे, ए एंड डी लिख दे तो आनंद है, अरुण इज रिच एज रश्मि, अरुण जो है रश्मि के जैसा है, तो रश्मि हमारे पास, तो इसके बराबर ही एक अरुण है, ये याद रखिए, क्योंकि ए वाले दो आ गए,
शोभा इज रिचर देन सुषमा, शोभा जो सुषमा से बड़ी ज्यादा है। तो यहाँ आ जाएगी, अभी ये वाली स्टेटमेंट अलग से है, शोभा ऐसा चुन लिख देते हैं क्योंकि एफ वाले भी चुन देंगे। Which of the following statement is correct according to the above proposition? अब इसमें से कौन नीचे की स्टेटमेंट दे रखी है उनमें से बताना कौन सा ठीक है। स्टेटमेंट क्या क्या दे रखी है? रश्मि इज पुअर देन प्रिया, रश्मि जो है प्रिया से पुअर है, नहीं निकाल सकते कंक्लूजन क्योंकि इन दोनों के बीच में स्टेटमेंट दे ही नहीं रखी, कोई रिलेशन नहीं दे रखा, नहीं निकाल सकते। प्रिया अरुण, प्रिया जो है वो अरुण से बड़ी है, अभी भी मैंने ये अलग से दिया था तो ये अलग से दिए है, अरुण इज पुअर देन सुषमा, अरुण जो है सुषमा से गरीब है, है ना, है ना। तो यानी तीसरी वाली, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। आनंद इज रिचर देन रश्मि, आनंद जो है रश्मि से रिच है नहीं है क्योंकि इन दोनों का रिलेशन नहीं दे रखा है, ये नहीं बता सकते हम इसमें, बस इन दोनों का इसमें दे रखा था कि तो प्रिया है वो आनंद से गरीब है या आनंद प्रिया से ज्यादा अमीर है, तो इसका बस अलग से था, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं था। तो फिर तीसरा का मुझे नाम निकाल सकते, तीसरा का मुझे था अरुण के जिस पुअर थे ना सुषमा, ठीक है, जिसमें कंक्लूजन निकलेगा सिर्फ वही निकाली गई, बाकी कुछ नहीं निकला। सुरेश इज मच ओल्डर देन कमल एच, ही इज यंगर देन प्रभु, समीर इज एज ओल्ड एज कमल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखो इसको बना रहा, सुरेश कह रहा है एज मच ओल्डर देन एज कमल, सुरेश और कमल दोनों सुरेश की आयु कमल की आयु के बराबर है। As he is younger than प्रबोध, और प्रबोध से ये छोटे हैं, यानी प्रबोध इनसे बड़ा है। आगे क्या कह रहा है? नवीन इज एज ओल्ड एज कमल, नवीन कमल के बराबर, यानी ये तो बराबर थे ही पहले, और नवीन एक और आ गया, तो ये नवीन यहां लिखो, यहां लिखो, यहां लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तीनों बराबर है। Which of the following statement is wrong? Suresh is older than Naveen. Suresh जो है नवीन से बड़ा है, बड़ा है नहीं है, बराबर है, तो एक ही नाम लग रही है। अभी आगे पढ़ते हैं क्या क्या। कमल इज यंगर देन सुरेश, कमल जो है सुरेश से यंगर है, रॉन्ग गलत लिख दिया है। Which of the following statement is correct बोलना था क्योंकि पहला दूसरा तीसरा तीनों ही रॉन्ग दे रखे हैं। सुरेश इज ओल्डर देन नवीन सही है, सुरेश जो है नवीन से ओल्डर, मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। कमल इज यंगर देन सुरेश, कमल जो है सुरेश से यंगर है, तो बी भी रॉन्ग है। अगला जो है प्रबोध इज नॉट द ओल्डेस्ट, प्रबोध जो है ओल्डेस्ट नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि पी तो सबसे बड़ा है ना, ओल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा। नवीन इज यंगर देन प्रबोध, नवीन जो है प्रबोध से छोटा है, ये सही है, बी वाला ऑप्शन पहली बताना था। क्वेश्चन में थोड़ा गलत लिख रखा है, रॉन्ग स्टेटमेंट बोली थी, रॉन्ग की नहीं करती, करेक्ट एक नहीं करना था, करेक्ट एक बोलना था। मेरा अमंग फाइव फ्रेंड पी क्यू आर एस एन टी हु इज द यंगेस्ट, कह रहे पांच फ्रेंड है उनमें से सबसे छोटा कौन है, तो राइट एट द आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन इज इन द स्टेटमेंट ए एंड बी सफिशियंट। दो स्टेटमेंट दे रखी है उसमें से बतानी कौन कौन सी सफिशियंट है, इसे बताना है। इसमें से पी क्यू आर एस ओ टी में से सबसे यंगेस्ट बताना है, और हमें दो स्टेटमेंट दे रखी। पहली स्टेटमेंट क्या है, ए आर इज यंगर देन पी एन टी, ये स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, एस इज यंगर देन क्यू, ये दो स्टेटमेंट दे रखी है। अब इसमें से बता दें क्या इससे हम ये पता कर सकते हैं कि सबसे जवान सुंदर सुशील कौन है, सबसे छोटा कौन है, कर सकते हैं क्या, करके देखते हैं, मेरे हिसाब से नहीं कर सकते।
देखो पहली लाइन से निकालते, आर इज यंगर देन पी एंड आर जो है पी और टी से छोटा है, छोटा। पहली स्टेटमेंट, एस इज यंगर देन क्यू, एस जो है क्यू से छोटा है। अब बताओ क्या रिलेशन आया, तीनों में कोई रिलेशन आया हमारे पास इन दोनों में? अब हमें क्या पता कि आर सबसे छोटा है या एस सबसे छोटा है, पता चल रहा है इन दोनों में से कोई होगा, ये तो कन्फर्म है, लेकिन ये पता चलता है कौन सा सबसे छोटा है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों काम की नहीं है, क्योंकि बोथ एंड बी टुगेदर आर नॉट सफिशियंट। दोनों ही, इसका ऑप्शन है डी कि दोनों ही सफिशियंट नहीं, एक और देनी चाहिए थी कि आर इज यंगर देन एस, ये एस इज ओल्डर देन आर, तब पता चल जाता है कि आर छोटा है या एस छोटा है। हाँ ये भी बोल सकते हैं एस इज यंगर देन आर, तब एस छोटा हो जाता है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन ले लेते हैं अरेंजमेंट पे, क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, ठीक। फाइव बॉयज आर सिटिंग इन अ रो, रघु इज नॉट एडजेसेंट टू श्याम और अमित, अजय इज नॉट एडजेसेंट टू श्याम, रघु इज एडजेसेंट टू मयंक, इफ मयंक इज एट द मिडल इन द रो देन अजय इज एडजेसेंट टू होम आउट ऑफ द फॉर। इसमें बोल रहा है कि चार दोस्त हैं, चार लड़के हैं, दोस्त नहीं है, होंगे क्या होगा, रघु जो है श्याम और अमित के बगल में नहीं बैठा, कट्टर दुश्मनी है उसकी रघु की, क्या ये रघु है। एडजेसेंट टू श्याम एंड अमित, एक दो तीन चार पांच, पांच लड़के बैठेंगे। अभी साइड में क्वेश्चन, रघु जो है ये पोजीशन से इसको बाद में भरेंगे, ठीक है, रघु के बगल अगल बगल में श्याम और अमित नहीं है, यानी इन दोनों पोजीशन में श्याम और अमित नहीं आ सकते, तो पोजीशन कितनी बची, ये दोनों, तो यहां श्याम या अमित दोनों में से एक आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अजय इज नॉट एडजेसेंट टू श्याम, अब श्याम जहां आएगा वहां अजय भी होगा, यानी अजय भी इन दोनों में से कहीं एक आएगा, एजे को अजय लिख देते हैं, क्यों अमित भी है ना, कंफ्यूजन हो जाएगी। रघु इज एडजेसेंट टू मयंक, इफ मयंक इज एट द मिडल इन द रो, देखो मयंक की पोजीशन बता दी, यहां है मयंक, तीर का निशान जरूरी नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि बड़ा छोटे की बात नहीं कर रहा है, मयंक मिडल में है, और क्या कह रहा है, रघु इज एडजेसेंट टू मयंक, रघु मयंक का पड़ोसी है, तो यार रघु इन दोनों पोजीशन में से किसी एक पोजीशन पे आने वाला है। अजय इज एडजेसेंट टू होम, रघु को मैं कहीं भी फिक्स कर देता हूँ, यहां कर देता हूँ रघु को, ठीक है। अब रघु के बगल में कौन कौन ही था, श्याम और अमित, यानी श्याम और अमित यहां नहीं होंगे, कहां होंगे, यहां और यहां होंगे, अजय इज नॉट एडजेसेंट टू श्याम, लेकिन इधर श्याम आ गया, श्याम आ गया कहीं, तब क्या होगा, अजय यहाँ नहीं आ पाएगा, यानी अजय यहाँ रह जाएगा, और यहाँ श्याम ले लेते हैं और अमित ले लेते हैं। अब क्या कह रहा है, यार यहाँ भी अमित आ सकता है, यहाँ श्याम भी आ सकता है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी पोजीशन हो सकती है। रघु इज एडजेसेंट टू मयंक, रघु के साथ मयंक है, मयंक इज द मिडल, मयंक इज इन द मिडल रो, देन अजय इज एडजेसेंट टू होम आउट ऑफ द फॉलोइंग, अब अजय किसके बगल में है, अजय किसके बगल में है, रघु के, तो ये पोजिशन मैटर ही नहीं करती, इसलिए इनकी फिक्स पोजिशन नहीं थी, तो रघु किसके है, मतलब अजय के बगल में है। अरेंजमेंट का एक और कुछ, ए बी सी डी एंड ई आर रनिंग ऑन बिहाइंड द अदर, सी इज नॉट नियर ई एंड ई इज नॉट नियर ई एंड ए इज नॉट नियर डी, बी इज नेक्स्ट टू ए, ई इज नॉट नियर टू डी, इन द मिडल। तो अब इसमें भी पांच पोजीशन है, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, कौन कौन है, ए बी सी डी और ई एक साथ बग रहे हैं, एक दूसरे के बगल में एक लाइन में बना के एकदम बग रहे हैं, मस्त कदमदार लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक। अगर ये कह रहे सी इज नॉट नियर ई,
सी जो है ई का दुश्मन है, तो आपस में टकरी बनती है ना, आपस में है एक दूसरे के बगल में नहीं है। ये स्टेटमेंट बाद में यूज होगी, फिक्स करना स्टार्ट करेंगे। दो एक दूसरे के बगल में नहीं है, वो काट दिया मैंने अलग से लिख के, ये हमें पता चल जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इज नॉट नियर टू डी, ए और डी भी दुश्मन है, तो ये भी बगल में नहीं रहेंगे। बी इज नेक्स्ट टू ए, बी जो है ए के बगल में है, इज नॉट नियर टू डी। अब ई भी डी के बगल में नहीं है, अब इसको फिक्स करो इनका यूज करके। ई ले लेते हैं, ई को फिक्स कर दिया, ई के बगल में सी नहीं आएगा और डी नहीं आएगा, सी और डी यहां नहीं आएंगे, है ना, सी और डी तो गए यहां से, तो यहां कहीं सी और डी रहेंगे। ठीक है, अब डी के बगल में ए नहीं है, तो डी की भी दो स्टेटमेंट है, तो डी को दूसरे कोने में फेंक देते, बाकी बचे क्या, ए सी और बी। ए और बी क्या कह रहा, आसपास है, ठीक, और सी ई का बगल में नहीं है, तो सी तो यहां आएगा नहीं, कहां आ सकता है अब सी, यहां सी एंड बी इधर दो पोजीशन है, ए और बी बगल में है, अगर यहां सी रख दूंगा तो ए और बी बगल में आएंगे नहीं आएंगे, तो बी को यहां लिखते हैं, ए यहां आ जाएगा और सी यहां, हमारी पोजीशन इसके हिसाब से आगे देखो, जैसे सी और ई बगल में है नहीं है, इसने बोला था नहीं है, नहीं है बगल में, ए ओ डी बगल में है बिल्कुल भी नहीं है, ई ओ डी नहीं है, और बी और ए बगल में है और बगल में है, तो मिडल में क्या आ गया, बी। ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा था, ऑप्शन ए, ए ऑप्शन में बी है, ये हमारा सही है। अगला है, एक और क्वेश्चन करवा देते हैं इसमें, O P Q R S N T are standing on a bench according to their height. P is taller than O but shorter than S. अब ये हाइट वाला आ गया, A B से बड़ा है, B C से छोटा है, ऐसा कुछ। अब कह रहा है P जो है O से छोटा है, लेकिन O से बड़ा है लेकिन S से छोटा है। ठीक है, S is taller than T, S जो है T से बड़ा है, R is shorter than P but taller than Q, R जो है P से बड़ा छोटा है लेकिन क्यू से बड़ा है, वही तो शॉर्टेस्ट। अब इसमें तीर का यूज करेंगे, पोजीशन के लिए हमने डैश मार्क दे दे, क्योंकि बड़ा छोटे का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अब देखते हैं क्या क्या बोल रहा है, पी जो है ओ से बड़ा है, अभी गैप दे दिया, और बड़े के लिए बड़ा तीर, छोटे के लिए छोटा तीर, आगे चलते हैं। बट शॉर्टर देन एस, पी जो है ओ से तो बड़ा लेकिन एस से छोटा, तो एस और भी बड़ा हो गया, है ना, ओनली एस इज टॉलर देन टी, एस सिर्फ एस एक है जो टी से बड़ा है, तो यानी टी का आएगा, अगर टी यहां आ गया तो टी से बड़े कौन कौन से हो जाएंगे, पी और एस, यस यहां आ गया तो ओपीएस, ओपीएस, ये बोल रहा है कि टी से सिर्फ एस बड़ा है, तो एस की पोजीशन क्या आएगी, यहां, है ना, यहां आ जाएगा हमारे पास टी। R is shorter than P but taller than Q. R जो है P से छोटा है लेकिन Q से बड़ा है, R यहां आ जाएगा। अब Q कहीं भी आ सकता है, क्योंकि Q की पोजीशन किस तरह है, Q से छोटा है, Q यहां भी आ सकता है और Q भी यहां भी आ सकता है, क्योंकि P से छोटा, R से छोटा है ना ये, तो वो से बड़ा हो नहीं सकता है, वो ही तो शॉर्टेस्ट, तो इसमें बताना है कौन सबसे छोटा है। अगर ऑप्शन होता क्यू और ओ ऐसा कुछ होता तो हम बता सकते थे कि ये ऑप्शन है, अब इसमें ऑप्शन है ओ पी क्यू, ओ पी तो है ही नहीं, ये सी वाला ऑप्शन तो गया, ओ क्यू और कांट बी सेड बता ही सकते, तो इसमें हम बता सकते हैं कि क्यू पोजिशन दो आ गई, इसमें बोला क्यू जो है आर से छोटा है, ओ से रिलेशन नहीं बताया, आर से छोटा है लेकिन ओ से बड़ा है, या सबसे छोटा है, ओ छोटा है आर से, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसलिए क्यू की दो पोजीशन आ गई, एक ये और एक ये, ठीक
हम क्लियर नहीं कर पा रहे कौन सा छोटा है, तो ऑप्शन डी इसका है। तो हम बता ही नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए कंप्लीट नहीं है, फुलफिल नहीं कर रही, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अगला टॉपिक है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। अब इसमें तुम्हारे चाचा मामा दादा काका सब आ जाएंगे। चाचा कौन होते हैं, मामा कौन होते हैं, इंग्लिश में तो अंकल होते हैं दोनों, है ना। चाचा होते हैं पैटरनल अंकल और मामा मैटरनल अंकल। तो ये ध्यान देना है, हिंदी में होते हैं चाचा काका मामा, तो हिंदी में ज्यादा पढ़ना वो अच्छा रहेगा। तुम्हारे भाई का पोते के लड़के के भाई की बहन तुम्हारी क्या लगी, वो निकालेंगे, ऐसा कुछ निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए स्क्रीन पे तुम्हारे सारे रिलेशन आ जाएंगे वो देख लेना। लड़के के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, लड़की के लिए नेगेटिव साइन। ये भेदभाव नहीं कर रहा मैं कि पॉजिटिव इसको क्यों नेगेटिव इसको क्यों, जो मन चाहे वो कर लो, मैं बस बता रहा हूँ लड़का लड़की एक समान। ठीक है, जोर से बोलो, जय माता दी। लड़का लड़की एक समान, ठीक है, वो बस साइन दे दिए हैं कि लड़के के लिए जमा लड़की के लिए घटा। अब जो बड़ा रिलेशन होगा, जैसे तुमसे बड़ा कौन होगा, ये हो तुमसे बड़े कौन होंगे रिलेशन में, पापा जी ऊपर करेंगे, और दो तुमसे छोटे होंगे, तुमसे छोटे कौन होंगे, अरे बच्चे। शादी नहीं होगी वो अलग बात है, लेकिन फिर भी मेरे को तो बोलना पड़ेगा, है ना। और तुम्हारे बराबर लेवल के कौन होंगे, भाई बहन, भाई बहन, बहन नहीं, बहन बहन, और जीजा भी हो जाएगा, तुम्हारा साला भी हो जाएगा, यही सेम रिलेशन पे रहते हैं। ठीक है, चाचा वाचा पापा के रिलेशन पे, चाचा वाचा चाची, ये सब पिताजी के लाइन पे। और बच्चे का क्या, जो तुम्हारे भाई बहन का बच्चे होंगे वो तुम्हारे भांजे भतीजे जो भी होगा, है ना, ये सब इसके लेवल के होंगे। तो ये लेवल याद करना, बड़ा रिलेशन ऊपर, छोटा नीचे। तो मम्मी का भी मम्मी खाना बना रही है, पता ही नहीं, पिताजी काम कर रहे हैं ना यहाँ, तो मम्मी खाना बना रही, खाना कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। आजकल मम्मी कौन आजकल मम्मी है जोमेटो और स्विगी, भंडारे से लेके आएगा, कोई नहीं भंडारे, ये समझ आ गया, रिलेशन आ गया, भंडारे में पत्ते फेंकते मारे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो पहले पढ़ लो आराम से, स्क्रीन को बड़ा बड़ा। ए इज द फादर ऑफ बी एंड सी, बी और सी का गोले में जरूरी नहीं है, मैं ऐसे ही बना देता हूँ, यानी ये भाई बहन हो सकते हैं, अभी जमा घटा कुछ नहीं है। इनके पिताजी कौन है, ए, ठीक है, पिताजी कौन होते हैं, लेडीज या जेंट्स, जेंट्स, पक्का ना, तो इसलिए जमा का निशान लगाया है, लड़के के लिए जमा बोला था, माइनस लगा दोगे तो माता जी बन जाएंगी। ठीक है, बी इज द सन ऑफ ए बट सी इज नॉट द सन ऑफ ए, बी जो है ए का बेटा है लेकिन सी बेटा नहीं है, मतलब सी कौन है, बेटी, बेटी, यानी ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, सी इज नॉट द सन ऑफ ए, हो गया। व्हाट इज सी इज रिलेशन विद ए, एरा सी का ए से क्या नाता है, बेटी का, बेटी का, सी का नाता, ए का नहीं, सी का बेटी, क्या डॉटर, क्या आ गया, सी इज द डॉटर ऑफ ए, ठीक
ठीक है, समझ आया? बड़ा वाला रिलेशन ऊपर, छोटा वाला नीचे, दाया बाएं कौन? चाचा मामा। वो पापा के दाया बाएं चाचा मामा, मम्मी के भी दाया बाएं कर सकते हो कोई नहीं। अ लेडी सेड द पर्सन स्टैंडिंग देयर इज माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन्स डॉटर। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द स्टैंडिंग पर्सन? क्या करिए, एक औरत ने कहा कि वो जो आदमी खड़ा है, तो नहीं कह रहा द पर्सन स्टैंडिंग देयर इज माय ग्रैंडफादर ओनली सन, एक पुत्र है, की डॉटर उसकी बेटी है। हाउ इज द लेडी, ये एक लेडी है, इस लेडी ने क्या कहा? वहां जो पर्सन खड़ा है, जो भी खड़ा है, पर्सन अभी नहीं खड़ा, कह रहा है माय ग्रैंडफादर्स, इनके ग्रैंडफादर कौन होंगे? एक लेवल माता पिता वाला, दूसरा लेवल ग्रैंडफादर। इसके ग्रैंडफादर के ओनली सन कौन होगा? इसका फादर है ना, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, फादर ही होगा कि बेटी। और एक इकलौते बेटी की, इसकी बेटी है, बेटी मतलब नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, मतलब ये दोनों क्या होगी? इसके पापा की बेटी क्या होगी? बहन हो गई ना। व्हाट इज द, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द स्टैंडिंग पर्सन? जो पर्सन खड़ी है उसकी क्या है? ये दोनों सिस्टर है ना, लेडी क्या आ गई? सिस्टर आ गई, सिस्टर। ठीक है, किसी को नहीं बनाते। एक और अमित के रवि जो अमित के बेटे के बेटे का भाई है, रवि जो अमित के बेटा के बेटे का भाई, भाई मतलब भाई, तो इसका क्या होगा? ये फादर, फादर क्या बाप पिताजी के होंगे, ग्रैंडफादर। क्या कह रहा है? अमित रिलेशन टू रवि, व्हाट इज द अमित रिलेशन टू रवि है ना, अमित का रिलेशन क्या रवि से क्या बन गया? ग्रैंडफादर, कजन, फादर या सन? ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर। ये ऑप्शन है हमारे पास सी, ठीक है, क्योंकि पिताजी का पिताजी हमारे क्या हुए? दादाजी, दादाजी को प्रणाम है ना। कह रहा मयंक सेड माय मदर इज द सिस्टर ऑफ रजत ब्रदर। ओहो, रजत भाई का क्या बात है, क्वेश्चन में भी आ गया। माय मदर इज द सिस्टर ऑफ रजत ब्रदर। कह रहे मयंक सेड, मयंक की जो माताजी है, माताजी इज द सिस्टर ऑफ, ये सिस्टर है किसकी? मयंक की मम्मी, सिस्टर ऑफ रजत ब्रदर। रजत का भी जो भाई है ना, उसकी सिस्टर है, मतलब इसकी मम्मी की बहन का, मतलब भाई का भाई, तो इनका भी क्या हुआ? भाई हुआ, मम्मी का भाई हमारा का मामा जी है ना। तो व्हाट इज रजत रिलेशन विद मयंक, बताओ भाई साहब? रजत भाई होगा, मयंक का रिलेशन रजत से, मामा जी का है, मामा जी हो गो, मैटरनल अंकल, ये मैटरनल अंकल हो गए, कौन हो गए? मामा जी। इंट्रोड्यूसिंग लिली राघव सेड हर फादर इज माय मदर्स ओनली सन, हाउ इज लिली रिलेटेड टू राघव? क्या कह रहा है? लिली को इंट्रोड्यूस करते हुए राघव ने कहा, क्या कहा? उनसे जो पिताजी है वो मेरी माताजी के इकलौते पुत्र हैं। हाउ इज रिलेटेड टू राघव? तो लिली राघव की क्या लगती है? इंट्रोड्यूसिंग लिली राघव सेड हर फादर इज माय मदर्स ओनली सन, जो लिली के जो फादर हैं, इसकी मदर के ओनली सन है, सन मतलब ये खुद ही आ गया, राधा भी तो बन गया,
खुद के माँ का एक ही लड़का है, एक ही लड़का कौन है? उसके पापा है। राघव खुद है, तो राघव की लिली क्या लगी? बेटी, डॉटर, डॉटर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल से होते हैं, छोटी छोटी लाइन है, बड़े बड़े आ नहीं रहे, कहानियां खत्म होती है इस टॉपिक की। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक।